Hey guys, good morning. So in this short video, I'll be talking about Kotak Mahindra Bank. Kotak Mahindra Bank के साथ क्या किया जाए, है ना? कि आज वो स्टॉक 10% डाउन है और आपने देखा होगा कि लाइक RBI ने कल मतलब कोई एक सैंक्शन वैंक्शन लगा दिया कि आप डिजिटली और सेविंग्स अकाउंट और ऐड नहीं कर पाओगे, है ना? फिर पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब आप डिजिटली दे नहीं पाओगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. अब क्या होता है, आई टेल यू द फर्स्ट प्रॉब्लम विथ रिटेल इन्वेस्टर्स. पहले है कि लाइक उनको क्या लगता है कि लाइक चलो स्टॉक सस्ता हो रहा है, उठा लो. ये एक सबसे पहला दिमाग में बहुत लोगों का, आप में से तो पक्का चल ही रहा होगा. दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि लाइक कोटक महिंद्रा बैंक का इतना अच्छा यू नो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ये तो आगे जाके पैसा बना ही लेगा ना, तो मैं अभी ले लेता हूँ बाबा, मतलब क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गई बात. तीसरा चीज़ ये है कि ये वो लोग ऐसे सोचते हैं कि लाइक अभी स्टॉक उठा लो सिर्फ चार्ट देख के, जिनको पता ही नहीं है से फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में अभी हो क्या रहा है, ठीक है? कि बाकी बैंक्स कैसे कर रहे हैं, कोटक बैंक कैसे कर रहे हैं कंपैरिजन में, अच्छा बुरा क्या हो रहा है. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली स्टॉक पैसा बनाएगा जब सब जब जब धंधा अच्छा करेगा, गॉट इट? तो कोई भी अगर स्टॉक नीचे जा रहे हैं, अब इफ दैट इज दी ओनली क्राइटेरियन दैट यू हैव टू लाइक बाई अ स्टॉक, देन ओनली गॉड कैन हेल्प यू. नाउ आप देखिए, मैं आपके बारे में तो बात नहीं कर सकता हूँ कि आपको क्या करनी है नहीं करनी है, लेकिन मैं अपना बारे में बात कर सकता हूँ. तो आई विल टेल यू कि लाइक कोई भी स्टॉक जब ऐसे ऐसे दिन में 10-20% गिर जाता है ना, मैं देखा हूँ लोगों में सबसे बड़ा एक बायस, जैसे मैं जो पहले वाला पॉइंट बोला वो है कि चलो उठा लो, ठीक है? सिर्फ कोटक की बात नहीं है, कोई भी अच्छा कंपनी का स्टॉक गिरता है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम हुआ क्या है, ठीक है? या फिर उससे पहले भी कुछ हो रहा था कि नहीं, राइट? सिर्फ स्टॉक गिरा ले लो. अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ चार्ट के पुतले हो और कुछ नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं है. एंड आई एम सॉरी टू से कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा वैसा नहीं बना पाओगे. सो अभी देखो कोटक महिंद्रा बैंक में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको उतना ही बोल सकता हूँ, राइट? एंड ऑफकोर्स ये इनसाइट से अगर आपको कुछ मतलब कोई अगर हेल्प मिला तो वेल एंड गुड. तो पहला पॉइंट तो ये कि मेरा पोर्टफोलियो में वैसे कभी भी कोटक महिंद्रा बैंक था भी नहीं, ठीक है? अब लॉजिकली सोचो, एक एक चीज पे बात करते हैं. ये अगर इंसिडेंट नहीं होता आरबीआई वाला, ठीक है, ये अगर उनके कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट अगर मतलब ये सब जो लोचा जो सैंक्शन किया है, अगर ये सब होता भी नहीं, तब भी मैं कोटक बैंक को नहीं लेता. क्यों? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ. अगर आप हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में टॉप चार बैंक्स देखोगे तो उसमें कोटक आती है. तो उसमें एचडीएफसी बैंक का आज मर्ज लोन बुक कितना है बताइए? 23-24 लाख करोड़ का है. आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का लोन बुक कितना है? 10-12 लाख करोड़ के आसपास है, 10-12 लाख करोड़. What is the loan book size of Kotak Mahindra Bank? That is around 4 lakh crores ke aaspaas. So Kotak Mahindra Bank has a smaller base than the other top 3 banks, hai na? So invariably aapko kya lagega, chote base hai aur India mein itne credit ki bhook hai, credit ka itna acha demand hai, so Kotak should have been growing at a faster pace, right, than the other 3 and more than the industry. Waise ho nahi raha tha. Agar aap Kotak ka pichle 2-3 quarter ka bhi YOY number dekhoge, unka loan book ka pace of growth ghat ke 15% ho gaya, 15%, ठीक है? अब देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक जिसका 11 लाख करोड़ का लोन बुक है, दैट कैन ग्रो एट 18%, एक्सिस बैंक का जैसे कल ही Q4 का नंबर्स आया एट 10.5-11% का, सॉरी 10.5-11 लाख करोड़ का लोन बुक में दे ग्रू 15-16%. तो आप क्या 4 लाख करोड़ का लोन बुक लेके यू आर ग्रोइंग एट 15%? सो कोटक महिंद्रा बैंक, आई कैन टेल यू, अगर आप पिछले 2-3 साल भी मतलब थोड़ा सा बैक में जाओ, वो 25% का लोन बुक का ग्रोथ करता था. लेकिन अभी क्या हुआ, वो पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ घट गया, तो मार्केट को अच्छा नहीं लगता ये सब. कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें यही बताया था कि वो गाड़ी का गियर वाला सिस्टम से आप समझो कि पहले कोटक का गाड़ी 4th गियर में चलता था जब वो 25-30% से ग्रो करता था, लेकिन पिछले 1-2 साल में क्या हो गया, उनका गाड़ी में वो 4th गियर से अभी वो 2nd गियर में गाड़ी आगे बढ़ रहा है. मतलब क्या, आगे बढ़ रहा है लेकिन वही बहुत धीमी ताल से आगे बढ़ रहा है. इससे क्या हुआ, कोटक का स्टॉक का भी कोई रिटर्न नहीं मिलता है. तो पहला पॉइंट है कि, और एक दूसरा पॉइंट है, आई नो कोटक है बैंक और बजाज फाइनेंस है NBFC, और बैंक्स को ज़्यादा वो CRR SLR का रिक्वायरमेंट्स होता है, ज़्यादा रेगुलेटरी जगह में पैसा डालना पड़ता है, गवर्नमेंट बॉन्ड ज़्यादा खरीदना पड़ता है. लेकिन फिर भी अब देखो, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस का लोन बुक का साइज मोटा मोटी सिमिलर है, लेकिन कोटक बैंक इज ग्रोइंग एट 15% एंड बजाज फाइनेंस इज ग्रोइंग एट 35% YOY, ठीक है? तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब वही ना कि कोटक बैंक, और आज अगर आप देखोगे इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ ही है 15-16%, एंड कोटक बैंक कैनॉट ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द इंडस्ट्री क्रेडिट, ठीक है? तो इसी वजह से तो वो स्टॉक चलता नहीं था. और मैं अभी ये मैं बातें कर रहा हूं कि अगर ये सब लोचा नहीं भी होता, ठीक है, और ये स्टॉक नीचे भी जा रहे, तब भी मैं नहीं लूंगा ना. बिकॉज सोचिए ना, जिसका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घट गया, ठीक है, और जिसका से फॉर एग्जाम्पल उससे
कतई हायर रेट में उससे बड़े साइज के बैंक्स, इवन HDFC बैंक को भी अगर आप देख लोगे कि HDFC बैंक बिफोर द मर्जर उनका कुछ 15 लाख करोड़ के आसपास, 15-17 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक था, तो एट 17 लाख करोड़ लोन बुक ऑल्सो HDFC बैंक ग्रीव एट अराउंड 20%, है ना। तो तुम क्या 4 लाख करोड़ का लोन बुक में 15-16-15-16% का लोन बुक का ग्रोथ दिखा रहे हो। सो पॉइंट यहां आता है, पहला चीज ये सीखो कि अगर आपने अभी ये जो सुना मेरे बाद, इसके बाद अगर कोटक का स्टॉक और 20% और भी गिरता है तो मैं क्या छलांग लगा के ले लूं? नहीं, मैं कोटक का स्टॉक तब लूंगा जब कोटक का लेट्स से लोन बुक का ग्रोथ विल बी फास्टर एंड हायर देन द लोन बुक का ग्रोथ ऑफ इट्स, यू नो, ऑफ इट्स कंपैरेबल पीयर्स, है ना। आप अगर इंडसइंड बैंक को भी देखोगे वो भी 18-23% में ग्रो करता है, IDFC फर्स्ट बैंक को देखोगे वो भी 25-26% से ग्रो करता है। तो मेरा कहना है कि कोटक महिंद्रा बैंक हैज लॉस्ट आउट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इसीलिए उनका स्टॉक कुछ चलता वलता नहीं था। अब क्या थोड़ी 10-20% नीचे गया तो मैं उठाते रहूंगा और ये पूरा कहानी भूल जाऊं क्या? तो ये बनता है पहला वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक और बाकी बैंक्स को ट्रैक करते हो तभी आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिजनेस को ट्रैक नहीं करते हो ना, आप सिर्फ चार्ट देखोगे और आप नीचे खरीदोगे और नीचे खरीदते रहोगे, फिर बस फिर आप बैठे रहोगे बिकमिंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और वैसे भी सोचिए ना, अगर दूसरे एंगल से भी सोचो कि चलो आपने कोटक बैंक को आजकल में खरीदा, नीचे खरीदा, और चलो वो ऊपर आपको 20% का गेन भी दे दिया, फिर क्या होगा, है ना। पॉइंट तो ये है कि धंधे का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ना चाहिए, राइट। तब जाके कोटक बैंक का ये प्राइस टू बुक का एक्सपेंशन हो सकता है, तब जाके स्टॉक 2000-3000-4000 में होगा। ये 1600 के जगह 1500 में लिया, 1300 में गया और थोड़ा लिया और बैक टू 1600 हुआ, थोड़ा पैसा मिला, इससे थोड़ी आपका लाइफ कुछ बनने वाला है ना। तो आज मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक से बेटर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड एसेट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी देर आर एटलीस्ट 8-10 ऑप्शंस इन इंडिया, ठीक है। अगर 8-10 ना बोलूँ तो 5-6 तो है जिनका नाम मैंने ऑलरेडी बताया। दूसरी चीज़ें लोग बोलेंगे कोटक महिंद्रा बैंक है एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो एसेट क्वालिटी IDFC फर्स्ट का भी अच्छा है, CSB बैंक का भी अच्छा है, HDFC एक्सिस का भी अच्छा है। सो सिर्फ एसेट क्वालिटी के बलबूते में एक स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, व्हाट हैपेंड हियर इसके लाइक अभी थोड़ा ये बैंड का बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए एसेट क्वालिटी के साथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए, ROE चाहिए। अब हम बात करते हैं ROE का, ठीक है। आप अगर देखोगे ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक विद अ हायर लोन बुक, राइट, हैव हायर ROE नंबर्स। उनका ROE नंबर 18-20% के आसपास है, जबकि कोटक का कंसोलिडेटेड बिजनेस का ROE होगा आपका 14% के आसपास। तो इसका क्या मतलब, तुम्हारा पेस ऑफ लोन ग्रोथ भी कम है और तुम्हारा ROE के नंबर भी कॉम्प्रेस्ड रहता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, अब आप देखोगे कोटक का जो सब्सिडियरीज है वो भी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था इन Q3 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे भी उतना पैसा नहीं आया था, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस उतना अच्छा नहीं कर रहा था। इसका एक और रीजन है कोटक महिंद्रा बैंक का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोविड से पहले कोटक महिंद्रा बैंक वॉज वेरी बुलिश ऑन द कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट, ठीक है, जबकि ICICI एक्सिस और IDFC ये लोग सब रिटेल में ज़्यादा गए थे। तो क्या हुआ, कोविड के बाद अगर आप देखोगे आज कॉर्पोरेट लोन बुक को ग्रो करने में डिफिकल्ट हो रहा है फाइनेंशियल्स को, क्यों, बिकॉज बड़े कॉर्पोरेट्स को अगर तुम लोन देते हो तो हार्डली कोई यील्ड मिलेगा, राइट। और SME MSME में आज अगर आप देखोगे एटलीस्ट शहरों के जगह में इमेंस कॉम्पिटिशन आ गया है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो कॉर्पोरेट का स्ट्रैटेजी था वो स्ट्रैटेजी डिड नॉट प्ले आउट दैट वेल, बिकॉज उस टाइम पे कोटक को क्या लगा था कि रिटेल में बहुत प्रॉब्लम्स है तो हम कॉर्पोरेट में घुसेंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, अगले 2-3 साल में ये कॉर्पोरेट का बुक से उतना उनको कुछ मिला नहीं, ठीक है, और रिटेल बुक ढंग से बनाया नहीं। तो अब बीच में आप देखोगे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट ने अपने रिटेल फ्रेंचाइज को बढ़ा के NIMS को बढ़ा दिया, ROE को बढ़ा दिया, और अब देखोगे इनका शेयर होल्डर्स को कितने अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिले, जबकि कोटक बैंक का नहीं मिल रहे। और अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, तो पिछले आई थिंक 6-8 महीने से ही कोटक बैंक या 1 साल से उनको समझ में आ गया कि भाई हमें रिटेल बुक को बढ़ानी है। तो आई थिंक उनका जो अनसिक्योर्ड रिटेल का बुक था दैट वाज आई थिंक अराउंड 5% ऑफ द टोटल बुक। जब आप अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक देखोगे फॉर द अदर बैंक दैट वेड अ मच हायर लेवल, मतलब पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने कितना बेचा है ना। लेकिन यहाँ पे बात आती है, पहले तो हमें जनरलाइज नहीं करना है कि अनसिक्योर्ड है तो खराब है, सिक्योर्ड है तो अच्छा है। अगर ये होता तो DCB बैंक का सिक्योर्ड बुक में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, उनका तो होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का तो आई थिंक 50-60% ऑफ द बुक है। तो पॉइंट है कि यहाँ पे मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे कलेक्शंस कैसा है, कहाँ पे आप लोन दे रहे हो, कितना आपको पैसा वापस मिल रहा है, वो देखो, रादर देन जनरलाइजिंग अ थॉट इन द हेड के लाइक यू नो ये कॉर्पोरेट का बैंक है तो ये अच्छा है, ये रिटेल बैंक है तो ये बुरा है, वैसे पैसा नहीं बनता है। जनरलाइजेशन थॉट, मतलब जनरलाइज थॉट दिमाग में रखोगे तो शेयर बाजार में पैसा नहीं बनेगा। अब सोचो कोटक का अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो 5% से लेके उसको 8-10% तक लेके तो गया था,
अनसिक्योर्ड रिटेल में, मतलब उन्होंने माइक्रो फाइनेंस का एक कंपनी को एक्वायर किया था, वो उसमें अच्छा ग्रोथ दिखा रहे, क्रेडिट कार्ड में अच्छा ग्रोथ दिखा रहे, लेकिन अब देखो कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत एक छोटी सी पार्ट है ये अनसिक्योर्ड वाला पार्ट। लेकिन अभी और एक प्रॉब्लम क्या हो गया, उनका जो अनसिक्योर्ड रिटेल वाला जो पार्ट था वो सबसे तगड़ा रेट में ग्रो कर रहा था, अब उस पर भी बैरियर आ गया आरबीआई का, मतलब कॉर्पोरेट बुक तो ग्रो नहीं कर रहा है उस रेट से, ग्रो कर रहा है 7-8-10% से होगा, ठीक है, और जो रिटेल में फोकस कर रहा था रिटेल का भी ग्रोथ का प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज आप जब ये क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन ये सब करोगे, ये सब लोगों ऑनलाइन से ही लोग करते हैं ना, मतलब जैसे मतलब कोटक के ऐप में जाओगे, एक पर्सनल लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड के लिए एक अप्लाई कर दो, है ना, इतने कॉल्स वैसे भी आते रहते हैं। सो पॉइंट यहाँ पे है कि लाइक अगर यहाँ पे भी आपने रोक दिया और कॉर्पोरेट बुक भी ग्रो नहीं कर रहे, तो कोटक का आगे का लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ और भी घट सकता है, इसीलिए वो स्टॉक गिरा, समझ रहे हो। लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स को तो ना आता पता ये सब चीजें, हम सिर्फ देखते हैं भाई 1700 का माल 1500 में आ गया, भाई उठा लो। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपने 1500 का माल उठाया और उसका से आगे जाके लोन बुक का ग्रोथ 10% हुआ, तो वो 1500 से 1200 भी हो सकता है, गॉट इट। तो आपको तो ऐसे सिनेरियो एनालिसिस करके देखना पड़ेगा, रैदर देन थिंकिंग के लाइक भाई स्टॉक नीचे जा रहा है मैं ले लूँ, है ना। मैं सुबह से देख रहा हूँ ट्विटर में कुछ लोग ऐसे लिखते, मैं नहीं तो मैं ये कोटक वाला वीडियो नहीं बनाता, मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप अवेयर बनो कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जैसे मैंने बोला कोटक से सारे बैंक्स का आरओई ज्यादा है, ठीक है, इवन आईडीएफसी फर्स्ट का भी आप देखोगे 2% से जब से वो लॉस से प्रॉफिट में आया वो 2% से 12% अपने आरओई को लेके गया, और आगे भी उन्होंने यही बोला कि 3-4 साल में जब वो से अपना बैलेंस शीट को 7,00,000 करोड़ कर देगा तो आरओई 2% होगा और आरओई 17-18% होगा, राइट। तो कोटक बैंक का आरओई कितना है, 14 है, आईसीआईसीआई एक्सिस का आरओई ज्यादा है, इवन एचडीएफसी बैंक का भी, ये मर्ज एंटिटी का आरओई भी आई थिंक 16% के ऊपर है, आप एक बार नंबर चेक कर सकते हो, लेकिन 14 से तो कतई ज्यादा है। तो अगर आपका आरओई भी 15% के नीचे है, ग्रोथ नहीं है बिजनेस पे, निम्स का भी तो कॉन्ट्रैक्शन सभी बैंक्स का हो रहा है बिकॉज ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया, राइट, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया, बट कोटक का वहां पे उतना प्रॉब्लम है नहीं बिकॉज कोटक का इतना बड़ा एक फिक्स्ड बुक नहीं है, सो दे कैन पास इट ऑन टू देयर एंड कंज्यूमर्स। बट मेन प्रॉब्लम तो वही है ना कि लाइक मतलब ग्रोथ था भी नहीं, मतलब कोटक का स्टॉक आज 1800 भी होता तो मैं नहीं लेता, और अभी अगर 1400 भी होकर बैठा है तब भी मैं नहीं लूंगा, बिकॉज ग्रोथ नहीं है कंपेयर टू दी अदर बिगर पीयर्स, तो क्यों जाओ, है ना। और एनबीएफसीज में आप देखोगे इतने सारे बिजनेसेस है जिसका एसेट क्वालिटी कोटक के जैसा ही है और वो ग्रो कर रहे हैं 30-35% से। अब क्या बूढ़े एक बंदे की तरह बातें करते हो कि नहीं मुझे तो एचडीएफसी और कोटक लेके ही मरना है बैठना है, है ना। इंडिया में इतने सारे, बिकॉज आई टेल यू दिस, आई ट्रैक अराउंड 100 फाइनेंशियल्स बोथ इन लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग, एंड आई कैन टेल यू मतलब लोग कितना अपना मेंटल बैंडविड्थ को बर्बाद करते हैं ये कोटक और एचडीएफसी का लड़ाई करके सोशल मीडिया में। अरे आप जाओ और देखो कितने छोटे छोटे एनबीएफसीज अच्छा काम कर रहे, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, एसएमई, एमएसएमई कंपनीज, वरना आप सीखोगे क्या, राइट। और हमेशा यही करते रहोगे क्या कि कोई भी सिर्फ बैठे रहोगे, कोई कंपनी डूबेगा खराब होगा और फिर उसका स्टॉक नीचे खरीदते रहोगे, क्या पता नीचे आप हमेशा कचरा ही खरीदते हो। सोचो ना येस बैंक का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोटक येस बैंक बनेगा, ये एंगल से भी प्लीज मत लो मुझे, लेकिन मैं यही बता रहा हूं कितने लोग ये मेंटालिटी में, सोचो येस बैंक जब डूबने लगा था 300-200-100 में लेता गया, है ना, और सबके सब फंस गया, और जब फंसता है तब भी नहीं बेचता है बिकॉज तब उनको लगता है कि मेरे कॉस्ट प्राइस में आएगा तो तब बेचूंगा, जो कि कभी आती ही नहीं है, राइट। सो पॉइंट यहां पे है कि कोई भी स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो रैंडमली उसको मत खरीदो। अब पॉइंट यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक बिफोर आई एंड इट, ऑल आई कैन से के लिए मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है, वो सब चीजें पे बात मत करो कि उदय कोटक चला गया तो खराब हो रहा है, नहीं। अगर आप कोटक का हिस्ट्री में देखोगे, ये सब आपका ये जो शांति एकम्बरम, जयमीन भट्ट जैसे लोग ना, उदय कोटक के साथ जो कोटक महिंद्रा बैंक को बड़ा किया, आज वो लोग भी बिजनेस में हैं, तो मैनेजमेंट के लिए ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है। द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक अगर मैं बिजनेस का एंगल से अगर मैं कंपेयर करूं, बिकॉज मुझे तो P2P मतलब पीयर टू पीयर एनालिसिस करना ही पड़ेगा, और वहां मैं देख रहा हूं कोटक का लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया है ना, फोर्थ गियर वाला गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है, थर्ड गियर वाला गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में चलने लग गया है, तो वैसे कंपनीज का क्या होता है ना, वो स्टॉक चलना बंद हो जाता है। और अभी जब ये बैंड वाला सिचुएशन आया, क्यों जाना है मुझे एक मतलब कीचड़ में, मतलब आप सड़कों में जा रहे हो, ठीक है, इतने अच्छे बड़े बड़े बिजनेसेस है, मतलब अगर मैं बैंकिंग और एनबीएफसी का भी बात करूं, सब अच्छे बिजनेसेस है, ग्रोथ अच्छा है, गाइडेंस अच्छा दे रहे हैं, बट नहीं, कोटक में बैन लगा, अब कोटक खरीदना है, ये किसने बोला, मतलब रास्ते के सामने साला आपके पास कीचड़ है, आपको कीचड़ में ही पहले डूबना है,
क्यों करनी है, इस तरह से पैसा नहीं बनता है। और अगर आपको लगता है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ये गलत है, बिकॉज वैल्यू का क्रिटिकल कंपोनेंट है ग्रोथ, राइट। जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं है उसका कहे का वैल्यू है ना, जिस कंपनी में लेट से फॉर एग्जाम्पल उसमें सैंक्शन लगा रहा है या लेट से प्रोमोटर जेल जा रहा है या लॉस खा रहा है, कहे का वैल्यू दिखते हो उसमें आप, है ना। तो बिजनेस को ट्रैक करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोटक पूरे जिंदगी के लिए खराब, मैं तो येस बैंक भी आज ट्रैक करता हूँ, मैं तो पीएसयू सारे बैंक्स को ट्रैक करता हूँ, लेकिन आगे जाके अगर मैं देखता हूँ कि सब सैंक्शन चला गया, कोटक का लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ, ये HDFC, एक्सिस और ICICI, बिकॉज ये लोग बड़े हैं इनके साइज से, इनसे ज़्यादा अगर इनका लोन बुक का ग्रोथ का रेट बढ़ा, मतलब सेकेंड गियर से थर्ड गियर से फोर्थ गियर में जाएगा रही, और उसके साथ साथ अपने ROE का भी एक्सपेंशन करें, बिकॉज हम इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर हमारा ROE 12-14% है तो हमारे उतना ही मिलने वाला है, इसलिए तो कोटक का स्टॉक पैसा नहीं बनाता है। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से, एटलीस्ट बड़े प्लेयर से तो आप ज्यादा रेट से ग्रो करो, है ना, और आपका ROE को बढ़ाओ। एंड ऑफकोर्स एसेट क्वालिटी तो बैंक में रखना ही चाहिए, उसका मतलब उस पर रोने का कोई बात नहीं है। कोई भी बैंक अगर एसेट क्वालिटी खराब हो जाता है या फिर आपका कलेक्शन एफिशियंसी घटता है, DPD बकेट्स खराब होते जाता है, तब तो तुरंत बेचने का। लेकिन ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिया, सारे बैंक्स का जो भी नाम लिया, सबका एसेट क्वालिटी अच्छा है। अब अगर एसेट क्वालिटी सबका अच्छा है, मतलब कि आपका स्टॉक नहीं नीचे गिरेगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा वो डिपेंड करता है ऑन प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स, ऑन ग्रोथ वाला मैट्रिक्स, राइट। तो अगर मुझे ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी का कॉम्बिनेशन चाहिए, और कोटक का तो प्रॉब्लम यही है, स्टॉक सस्ता हो रहा है लेकिन जैसे मैंने बताया आगे 15% भी ग्रो ना कर पाए बिकॉज ऑफ द सैंक्शन, बिकॉज अभी इनका 811 के वजह से ही, क्योंकि देखिए मैं खुद एक 811 का कस्टमर हूं कोटक का, ठीक है। एक तो पॉइंट है कि RBI ने जो किया बिल्कुल सही किया, कितने ऐसे जगह में मैं गया, रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, और फिर उसके बाद जब मतलब वो पेमेंट करने गया, सर्वर बिजी, ये डाउन, वो डाउन, ऐप डाउन, और उनका तो ऐप एकदम ही घटिया है, ऐसा लगता है कि 1980 में जब पहला कोई ऐप बनाया था वैसा है, मतलब ऐप का इंटरफेस इतना घटिया है, ठीक है। तो ऑफकोर्स उनको काम करना पड़ेगा उसमें। और जो दूसरा वाला पॉइंट है कि कितने सारे जगह में जाके मैं बिल नहीं पे कर रहा हूँ, क्यों, बिकॉज मेरा सर्वर डाउन है, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, और लेट से मैंने वॉलेट नहीं लिया, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरे साथ हुआ तो लाखों लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ होगा, तो जो RBI ने किया है ना एकदम सही किया। लेकिन ऑन द काउंटर साइड प्रॉब्लम क्या हुआ, बिजनेस का ग्रोथ का रेट और भी घट सकता है, तो अगर ग्रोथ का रेट घटेगा स्टॉक और सस्ता बनेगा, गॉट इट। तो उस एंगल से आपको देखना चाहिए रादर देन थिंकिंग, क्योंकि आज अगर बिजनेस इंप्रूव करता और स्टॉक और नीचे रहता तब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता, राइट। लेकिन अगर इसका EPS का ग्रोथ नहीं है और आगे जाके पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ और घटने वाला है, तो स्टॉक का प्राइस टू बुक तो आगे जाके और कम होने वाला है ना कंपेयर टू टुडे, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए रादर देन लुकिंग एट स्क्रीन एंड थिंकिंग अरे इसका तो प्राइस टू बुक का हिस्ट्री देख लिया, अरे हिस्ट्री में तो और बेटर था इसलिए प्राइस टू बुक ज्यादा था, अभी उतना अच्छा नहीं है इसलिए उतना प्राइस टू बुक। जैसे HDFC बैंक जब 40% से ग्रो करता था प्राइस टू बुक 5 था, फिर जब 25% से ग्रो करता था प्राइस टू बुक 3.5 था, अब ग्रो करता है 15-17% 15-17% से, इसलिए प्राइस टू बुक कितना है उसका आज 2 के आसपास या 2.5, वॉट एवर इट इज, ठीक है। सो आपका प्राइस टू बुक दिखाएगा आगे का ग्रोथ रेट और आगे का प्रॉस्पेक्ट क्या है बिजनेस का, पीछे देखोगे पिछले का प्राइस टू बुक और उससे आपको लगेगा सस्ता हो रहा है, रीजन है कि सस्ता क्यों है। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग यू नीड टू लुक फॉर।